आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत ट्रेन की भी शुरुआत की है और हमारे सहयोगी पल पल हर जगह मौजूद हैं। मिलन शर्मा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, क्या विशेषता है, क्या खासियत है, ये जानते हैं रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी अमृत भारत एक्सप्रेस को और हम इस वक्त अमृत भारत एक्सप्रेस में बैठे हुए हैं और बहुत ही उत्सुक छात्रा छात्राएं यहां पर हैं स्कूलों के, जो यहां पर उन्होंने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दी ट्रेन को और अयोध्या धाम स्टेशन से ये ट्रेन अब शुरू हो चुकी है, जर्नी सफर शुरू हो चुका है। और बच्चों से भी बात करते हैं, आप लोग नारे लगा रहे थे जब प्रधानमंत्री मोदी ने झंडी दिखाई। हाँ, हम लोग बहुत नारे लगा रहे थे क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा खुश है कि हमारे मतलब भारत में, हमारे गोरखपुर में ये सुविधा मिली है और हम चाहते हैं कि ऐसी सुविधा बहुत आती है। अब मोदी जी को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमारे मतलब देश को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है। बढ़िया, आप लोग कितना एक्साइटेड फील कर रहे थे, बहुत हंस रहे थे? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हम लोग 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे और एक बार देख लिए, 4 घंटे से, सुबह से 1 मिनट, हम लोग सुबह 3 बजे से हम लोग इंतजार ही कर रहे थे। अच्छा, हाँ। एक्साइटेड थे, बहुत बहुत। 3 बजे से हम लोग जगे हुए हैं और फाइनली मोदी जी का वेट करते करते हम 3 घंटा यहाँ वेट किए हैं। मॉर्निंग के 3 AM हम लोग वेकअप हुआ है, अभी तक हम लोग जगे ही हैं। बहुत बढ़िया। और ये ड्राइंग जो आपने बनाई है, किसने बनाई है? मैंने। आपने बनाई है? अच्छा, ऐसे ऐसे इधर से। ओके, ऐसे 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 ही है। अच्छा, ये अमृत भारत ट्रेन का मतलब प्योर मॉडल नहीं है, बट थोड़ा शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाने की कोशिश की है। अच्छा। और ये हमारा अयोध्या का थोड़ा स्टेशन है जिसे मैंने कोशिश की है बनाने का, बट हो गया, थोड़ा बहुत बन गया है। बहुत बढ़िया ड्राइंग है आपने बनाई है। आप बताइए, आप कितने एक्साइटेड हैं इस ट्रेन जर्नी में? बहुत ज्यादा मैम, मतलब पूरी रात नींद नहीं आई थी। यस मैम। तो राम मंदिर के बारे में क्या कहेंगे आप लोग, क्योंकि अभी मंदिर बन रहा है, बहुत जल्दी से देखना है हम लोग को राम मंदिर आके। बहुत हम लोग बस देखना ही चाहते रहते हैं कि वहीं पे बस जाए। 22 जनवरी का बस वेट है, बस उसके बाद स्कूल टूर। यस मैम। आपने भी ये ड्राइंग बनाई है अमृत भारत की? हाँ, हमने अमृत भारत एक्सप्रेस की ड्राइंग बनानी और हम दिखाना चाह रहे हैं कि बुजुर्ग इंसान उतर रहे हैं क्योंकि ये बहुत लाभदायक, बहुत सुविधा दी गई है इसमें तो यहाँ पर। हाँ, और ये भी बनाया है आपने? हाँ। क्या है ये? ये दिस इज अ टाइप ऑफ हाँ, मेक इन इंडिया। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। और पूरी ट्रेन में जय श्री राम के जो नारे थे वो लगे, बच्चों में बहुत उत्साह है क्योंकि ये पहली जर्नी है अमृत भारत की। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त हम अयोध्या के बाहर से गुजर रहे हैं और सारा जो आपको नजारा दिखाई देगा यहाँ पर, बहुत ज्यादा उत्साह है बच्चों में इस बात को लेकर कि अमृत भारत की पहली जर्नी अब यहीं से कंप्लीट होगी, गोरखपुर तक जाएंगे, उसके आगे ये ट्रेन दरभंगा तक जाएगी। करता था अयोध्या, बहुत ही छोटा स्टेशन केवल। तो बड़े तो बड़े, बच्चे भी काफी उत्साहित हैं और बच्चों की भावनाओं को देखिए, जो अंदर भावनाएं चल रही हैं वो सामने रख देते हैं, उड़ेल देते हैं, खुशी की लहर है सब में। और तमाम विकास परियोजनाओं को और रफ्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा रहे हैं इन स्पेशल ट्रेन्स को, और ठीक उनके साथ खड़े हैं पीछे योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के डिप्यूटी CM भी दोनों और राज्यपाल भी। के साथ साथ अयोध्या के पवित्र धरातल पर भी वैसा ही नजर आता है, फिर चाहे आप लता वीणा को देखें, लता चौक को देखें या यहाँ मौजूद इन सूर्य स्तंभों को देखें। और अयोध्या वासियों से ये समझना शायद बहुत जरूरी हो जाता है, मेरे साथ तमाम देखिए लड़कियां मौजूद हैं, अपने अपने कॉलेजेस से आई हैं और मुझे पता चला है कि ये गायक भी बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप लोग गायक बहुत अच्छी हैं तो एक राम धुन तो मुझे सुन राम आएंगे तो आगे ना सजाऊंगी, राम आएंगे तो आगे ना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, राम आएंगे तो आगे।
नहीं के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। आपने सुना अंजना कि किस तरह से अयोध्या इस वक्त राममय है और राम का इंतजार है। क्यों ना हो, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान होना है और उससे पहले प्रधानमंत्री का आज का दौरा, रोड शो। और ये भीड़ भी देखिए आप, ये वो लोग हैं जिनको अभी भी लग रहा है कि रोड शो खत्म नहीं हुआ है और वो इस इंतजार में है, जिनसे अगर प्रधानमंत्री की पहली झलक मिस हो गई तो वो दूसरी झलक देख ले। क्या कहना चाह रहे हैं? काशी के पावन धरती से चलकर आने वाले हमारे गुरु जी, बताइए गुरु जी अयोध्या के क्या कहेंगे यहाँ पर? आप अयोध्या में आए हैं प्रधानमंत्री? कहने के लिए तो बहुत कुछ है प्रभु जी। मैं माननीय योग प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को अपने दिल की गहराइयों से, क्योंकि मैं उनके संसदीय क्षेत्र बनारस से आया हूँ और हम लोग रात के 12 बजे निकले हैं और 7 बजे यहाँ आए हैं और झलक पाने को जी, और सरयू जी का स्नान करके यहीं पे खड़े हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कब आएं और कब उनका दीदार हम लोग करें।